12 5G, ये आ जाए मेरे पास। तो इसे खोल के देखते हैं क्या क्या इसके अंदर, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले मेरे हाथ में ये मोबाइल है, और क्या क्या बॉक्स में, तो ये मैनुअल, उसके बाद यहाँ मेरे दिया हुआ है ये ट्रांसलूसेंट पैक कवर दे रखा है, इसे साइड में रखते हैं। और क्या क्या है, ये सिम इजेक्टर टूल है, इसके बाद 22.5 वाट का चार्जर है, और ये केबल दे रखा है यूएसबी केबल। तो ये देख सकते हैं आप, लुक्स बैक कवर इसका ग्लास है, ये हमारा पील ब्लू कलर का है, 4GB 128 वेरिएंट वाला रेडमी 12 5G। पोर्ट्स में नीचे की तरफ हमें मिलता है टाइप सी पोर्ट, ऑडियो ग्रिल और एक माइक्रोफोन। साइड में हाइब्रिड सिम स्लॉट है जिसमें कि दो सिम या फिर एक सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं। दूसरी तरफ ऑडियो जैक है और पावर ऑन ऑफ बटन है जो कि फिंगरप्रिंट की तरह भी काम करता है। ऊपर की तरफ 3.5 mm का जैक है और एक आयर ब्लास्टर है। पीछे की तरफ हम देखें तो कैमरा के चारों बगल रिंग दे रखा है और पेल ब्लू कलर का ग्लास पैक है। फ्रंट की तरफ हमें गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, पिन पॉइंट बेजल है और IP53 रेटिंग के साथ वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट। कैमरा में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दे रखा है, सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और तीसरा एक फ्लैशलाइट दे रखा है। फ्रंट में हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेंसर और बेजल हमें काफ़ी कम मिलते हैं। कैमरा प्रोसेसिंग की बात करें तो ये पिक्स है पोर्ट्रेट मोड में, कलर को थोड़ा बूस्ट कर देता है नेचुरल की जगह। इसके अलावा लो लाइट में डिसेंट पिक्स ही आता है, जब नाइट मोड में हम लेते हैं तो नॉइज आ जाता है डार्क एरिया में। इसके अलावा ऑटो HDR नहीं होता है, हमें मैनुअली HDR पिक्स लेना होता है। वहीं वीडियो अप टू 1080 30 FPS तक शूट कर सकते हैं, ये बिना स्टेबिलाइजेशन के आता है तो थोड़ा बहुत मिलता है वीडियो लेने में। प्रोसेसर इसका स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 है जो कि 4 नैनोमीटर चिप है और 5G प्रोसेसर है ये। इसके अलावा ये UFS 2.2 और LPDDR4X रैम स्टोरेज के साथ आता है। ये वाला वेरिएंट 4GB 128 GB वाला है। ये एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है, अप टू 90Hz तक रिफ्रेश रेट देता है जो कि ठीक ठाक ही रहता है। सॉफ्टवेयर MIUI 14 पे बेस्ड ये एंड्रॉयड 13 प्रोसेसर है। इंच का फुल HD+ 90Hz IPS LCD डिस्प्ले मिलता है विद अ पीक ब्राइटनेस 550 nits। YouTube वगैरह पे हम फुल HD 60 FPS वीडियो देख सकते हैं। HDR वीडियो को सपोर्ट नहीं करता है लेकिन ठीक ठाक चल जाता है। साउंड क्वालिटी में डाउन फायरिंग मोनो स्पीकर के साथ आता है विद नो स्टीरियो, सो क्वालिटी एंड लाउडनेस ठीक रहता है वीडियो का इस प्राइस के अंदर। डेलाइट विजिबिलिटी में अंडर सनलाइट लिटिल स्ट्रगल करना होता है, बट इन द डार्क नाइस क्वालिटी वीडियो देख सकते हैं। 5000 mAh का बैटरी इसका जो कि 18W चार्जिंग सपोर्ट करता है, जबकि पैकेट में 22.5W का चार्जर मिलता है। चार्जिंग स्पीड इसका 2 घंटे का 0 to 100% होने में। हैप्टिक फीडबैक डिसेंट सा ही है, वाइब्रेशन फीडबैक हमें मिलता है टाइपिंग करने पे। वाईफाई रिसेप्शन एंड कॉल क्वालिटी गुड है, 5 GHz को यह सपोर्ट करता है।
कॉल कनेक्टिविटी में 7 5G बैंड्स के साथ ये आता है और लगभग सभी मेजर इंडियन 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। इंटरनेट स्पीड गुड है। CPU परफॉर्मेंस का Geekbench स्कोर नाइस है इस प्राइस रेंज के लिए। इसके अलावा अपडेट फ्रीक्वेंसी हमें 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट मिलता है और 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट। कुछ प्री इंस्टॉल एप्स होते हैं जो कि हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा गेमिंग वगैरह भी हम कर सकते हैं, सारे गेम्स चल जाते हैं। वहीं हाई ग्राफिक गेम्स लाइक PGMI हम लो सेटिंग्स पे खेल सकते हैं। हाई सेटिंग पे हमें फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है।